कहते हैं कि समझदार आदमी वो है जो अपनी गलतियों से सीखे, लेकिन उससे भी ज़्यादा समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलती से सीख ले। तो इसी मकसद से कि जो हमने गलतियाँ की हैं वो आप ना करें, आज हम आपको ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे। तो आइए, तो भाई पहले आपको ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या पुर्जे हैं उसके बारे में बताए देते हैं, फिर बताएंगे कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे पास यहाँ पे दो ट्रैक्टर हैं अभी, एक है हमारा मेसी और दूसरा है न्यू हॉलैंड 3630। ये भाई इसकी चाबी है, बहुत बड़ा ट्रैक्टर है, उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटी चाबी है। और ये हमारा है कॉकपिट, इस कुर्सी पे सबसे पहले तो आपको बैठना है। सीट के बैठने के बाद आपका कुछ ऐसा व्यू होगा, जो हमारी चाबी है वो यहाँ इग्निशन में हम डाल देंगे। ज़्यादातर मॉडलों के इसी तरफ होती है, कुछ कुछ के इधर भी आया है। अब जो हमने इसके अंदर चाबी लगाई है उसको हम सिर्फ आधा घुमाएंगे तो हमारा बैटरी चालू हो जाएगा। अभी इग्निशन ऑन नहीं हुआ है लेकिन जो करंट है सर्कुलेशन में आ गया। तो अगर हम नीचे देखें अपना ये पूरा, तो सबसे नीचे तो हॉर्न है, उसके ऊपर आपका लाइट जलाने का हो गया, लो बीम हाई बीम हो गया। उसके ऊपर ये लेफ्ट और राइट इंडिकेटर है, यहाँ पे आपका पार्किंग लाइट हो गया। आपने कहीं पे ट्रैक्टर खड़ा किया हुआ है या काफ़ी धीरे चल रहा है रोड पे, तो इसको जलाने का सुझाव दिया जाता है। ये आपका नॉर्मल स्पीडोमीटर और पेट्रोल कितना है वो सब बताता है। चलाने से पहले पेट्रोल ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ट्रैक्टर ही खड़ा हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। जो आपको सबसे पहली चीज़ दिख रही है वो है ये स्टीयरिंग, ये दाएं और बाएं जाने के काम आता है। लेफ्ट की तरफ जो पेडल है वो होता है क्लच, राइट की तरफ जो पेडल होता है ये बड़े वाला, ये होती है ब्रेक, और छोटे वाला वो होता है हमारा रेस एक्सलरेशन। ट्रैक्टर का जो गियरिंग सिस्टम है वो गाड़ी के मुकाबले थोड़ा फर्क होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 12+3 स्पीड मैनुअल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो गियरिंग सिस्टम है, एक मेरी राइट हैंड साइड पे है और एक लेफ्ट हैंड साइड पे है। जो राइट हैंड साइड पे है वो तो आपका समझ में आ ही रहा होगा, आगे करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिर ये रिवर्स। इन चार गियरों के अलावा हमारे पास यहाँ पे मोड होते हैं। ये जो गियरिंग मोड हैं इनका अलग अलग कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे कौन सा गियर लगना है इसके बारे में आपको हम अगली वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल के आप इतना समझ लीजिए कि ये बड़ा ट्रैक्टर है, इसके अंदर तीन मोड है, एक है लो, फिर आता है आपका मीडियम और फिर आता है आपका हाई। जो पुराने ट्रैक्टर हैं जैसे कि हमारा मेस्सी वाला है, इसके अंदर ये दो ही मोड होते हैं, कछुआ और खरगोश। तो आप उसको ये सोच सकते हैं कि जो नंबर एक है वो कछुआ है लो, और जो हाई वाला है वो खरगोश हो गया, और जो मीडियम वाला है वो उन दोनों के बीच का कुछ आप समझ सकते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई इस बीमारी ने आखिर स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप ज़रा पीछे अपनी मुंडी घुमा के ये देख लीजिए कि आपकी जो अटैचमेंट है वो नीचे ना हो, क्योंकि अगर नीचे हो गए और आपने अगर खींच दिया तो ये टूट जाएगा, इसके नीचे के दांत ख़राब हो जाएंगे और ये आपका जो अटैचमेंट का ये सारा मैकेनिज्म है इस पे भी बहुत प्रभाव आ सकता है। उसके लिए हम चलाते ही आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जो डुअल लीवर हाइड्रोलिक लिफ्ट है इसके अंदर, उससे ऊपर खींच देंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्टार्ट करने से पहले आपका मोड वाला गियर है और जो आपका स्पीड गियर है जो 1, 2, 3, 4 और रिवर्स में है, ये दोनों के दोनों ही न्यूट्रल में हो। ये एक्चुअल में हर ट्रैक्टर के अंदर सेफ्टी फीचर होता है। क्या है ना भाई, ये बहुत ही पावरफुल मशीन है और अगर ये ऐसे अब यूं खड़ा है और अगर ये गियर में मैंने स्टार्ट कर दिया और जाके उसमें भिड़ गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हम क्लच दबा के दोनों को चेक कर लेंगे कि ये न्यूट्रल में है। अब आप जो अपना इग्निशन है
उसको ये हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते ही आपको जैसा बताया था आप ट्रॉली को उठा लेंगे, ये ट्रॉली आपकी उठ गई। ट्रैक्टर चलाने का स्टेप वन, आप क्लच को पूरी तरह दबाएंगे, आधा नहीं पूरा। फिर आप अपना मोड सेलेक्ट करेंगे कि आपने उसको हाई मीडियम या लो पे चलाना है। अभी हमने इसको हाई पे लगा दी। स्टेप थ्री, आपने अपना गियर डिसाइड किया। अभी मैं आगे तो जा नहीं सकता तो मैं ये रिवर्स में लगा दिया मैंने। स्टेप फोर, आपने रेस नहीं देनी है, जो ये रेस का पेडल है, रेस नहीं देनी है आपने, हल्का हल्का बस क्लच छोड़ना है। तो अभी मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ और ये ट्रैक्टर हमारा चल पड़ा। अभी तो हमारा बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा है तो हम इसको ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। तेरी बेटी, अभी क्या है ना भाई, ये जो ट्रैक्टर है ये इसके काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स यूज़ होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीक़ों से चलाया जाता है। जैसे कि रोड पे अलग तरीके से चलाया जाएगा, गीले खेत में, सूखे खेत में अलग तरीके से चलाया जाएगा, और अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग अटैचमेंट होती है, अलग अलग गियर मोड होते हैं। तो हमने अभी आपको 5-6 मिनट के अंदर बिल्कुल बेसिक बेसिक बताया कि आपने इसको उठाना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, लेफ्ट राइट कैसे मोड़ना है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको इसकी अलग अलग अटैचमेंट जो है, हैरो, रोटा टिलर, ट्रॉली हो गई आपकी, कल्टीवेटर हो गया, इनको अटैच कैसे करना है सही ढंग से और उनका कहाँ पे किस हिसाब से इस्तेमाल करना है वो सब बताएंगे। तो अभी के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कम से कम अगर आप हमारे को कमेंट करके लिखेंगे, लाइक करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम ऐसे ऐसे और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया। दिस इज द न्यू एज फार्मर। नहीं आएगा बाबा, नहीं आएगा, इसका खोल के करना पड़ेगा। पुराने ट्रैक्टर हैं, ऐसे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। कोई चीज़ यहाँ पे यूँ नहीं है कि मैं नहीं लेके आऊँगा। ये खेतियाँ कहाँ पर, सिर्फ पुराने ही चीज़ से काम से जुगाड़ है यहाँ पे, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। हटिया, ये वाला तो ठीक है, ये अटक सा ना पहले, हट से नीचे उतरेगा।